सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको और कौन सा वार्ड नंबर है ये और आपका नाम क्या है? हम लोग का वार्ड नंबर 11 है और हम लोग को तकलीफ तो इतनी है बेहिसाब, पूरा संडास भाई के घर के सामने आता हमारे और ये गटर बन के 20 साल हो गया है। जब से कोई यहाँ पे आता नहीं ना बनाता नहीं, वो मुमताज मुल्ला जब कौंसलर था जब वो गटर बनी थी उसके बाद से 2 साल हो गया ऐसी खोद के रखे है गटर। अभी बनेंगी जब भी बनेंगी लेकिन वो बनने का नाम नहीं लेती, बस आते रहते देखते रहते फोटो निकालते जाते, कोई कुछ नहीं करता। कौन आता है यहाँ पर फोटो निकालने? वो 72 भाई का लड़का सोनू या तो वो कोई भी अपने चले लोग को भेजते है जाके देख कर आओ क्या तकलीफ है। ना कोई सफाई करने आता ना उसके बाद में कोई आते, बस हम लोग चक्कर मारते ना उसके बाद एक आध बार आ जाएंगे और कुछ नहीं करते। जब नगर सेवक के पास आप जाकर इसकी तकलीफ बताते हो तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते ना बस 8 दिन में बन जाएंगे, मेरा मिस्त्री मुल्क गया है, यूपी गया है, आएगा तो बन जाएंगी। मिस्त्री से भी हम लोग बात करें बोले मैं तो यहीं पे हूँ, अगर 72 भाई बोलेंगे तो मैं भी काम चालू कर दूंगा। खाली वो ऐसे ही घुमा रहे बस। और क्या क्या तकलीफ है आपके भाई? तकलीफ तो वही गटर की सबसे ज्यादा तकलीफ है, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ गटर बना के चाहिए। घर में घुस जाता पूरा पूरा बिस्तर भर जाते, पूरा घर में पूरा पूरा परेशान हो जाता, ऐसा घर के सामने से पूरा संडास जाता। मेरा नाम रिजवान है, वार्ड नंबर 11 से हूँ। ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत भी नहीं है, यहाँ पर इतनी तकलीफ है ना भाई। क्या संडास आ रहा भाई के घर में जा रहा है और फिर पानी पूरा भर जा रहा है, सोने बिस्तर में पूरा भीग जा रहा है और बाजू में अब्बास सेठ का गाला भी है वही लाइन से गटर की लाइन से। तो उसके बाद उनको बोलने के बावजूद भी कुछ काम होता नहीं, यहाँ तक के हलीम के पास गए, 72 के पास गए, यहाँ तक के म्यूनसिपाल्टी भी आके देख के गई है, वो देख के गई, फोटो वोटो खींच के गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं नगर सेवक आपको? बस होएगा ये 4 दिन में या 8 दिन में होएगा, बस होएगा। और आते कभी गटर भी भर जाती है तो सुनील आता तार उड़ मार के जाता है, यानी पूरी साफ नहीं करके जाता, यानी अपनी फैसिलिटी वो पूरी करके चले जाता है, पूरा काम करके नहीं जाता है। फिर उसके बाद बोलता है ठीक है मैं आऊँगा आऊँगा। इसकी शिकायत आपको आपने नगर सेवक में या नगर पालिका में की है? नहीं नगर सेवक में किया, नगर पालिका में नहीं किए थे, खाली उन्होंने आगे देख के गए उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। ये तकलीफ कितने दिनों से है? ये तो समझ लो 72 भाई 2 साल से तोड़ के रखे ले, लेकिन ये 20 साल से तकरीबन है तकलीफ है। तो नगर सेवक ने आपको भी कितना टाइम कितना कब का टाइम दिया है? भाई 8 दिन का टाइम दिया था लेकिन वो 8 दिन खत्म होने आया है। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे आगे? तो कमिश्नर ऑफिस के पास जाएंगे भाई, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा, सब मिलके औरत आदमी जो भी मिलके पूरा जाएंगे वहाँ पर फैसला करेंगे क्या होता क्या नहीं होता। जब वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्या 72 भाई ऐसा ऐसा टाइम देते रहते हमको, जब देखो जब टाइम देते रहते, जब देखो जब टाइम देते रहते, आप कितनी तकलीफ चाहेंगे हमको।